स्वागत है बच्चों, आप सबका आज के हमारे लेक्चर में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो देखेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को एज कंपेयर टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज के लेक्चर। तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन जो कि हमारी टाइप 1 है। तो ऐसे ऐसे मैं आपको बहुत सारे कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा अलग अलग टाइप्स के। तो चलो देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। यहाँ कहा गया है कि वेरीफाई दैट 3 - 2 - 1 आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा है? पी ऑफ एक्स। अब पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x² - 5x + 6। अब आपके पास कुछ जीरोस तो दिए गए हैं, इन्हीं जीरोस को जैसे निकालना है। आपने देखना है कि वाकई में ये जीरोस इस क्यूबिक पॉलीनोमियल के हैं या नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एक्स की जगह आपने हर टाइम में ये वैल्यूज डाल दी है। तो सबसे पहली बात, पी ऑफ 3 आ जाएगा, तो 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3 का स्केयर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। तो 3 का क्यूब 3 3 9, 9 3 27 माइनस 2 इंटू 3 का स्केयर 9 माइनस 5 3 15 प्लस 6। अब यहां पे क्या आ गया, 26 माइनस वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेंगे, यहां पे क्या आएगा माइनस 18 माइनस 15 प्लस 6। तो प्लस वाली टर्म्स इकट्ठी और माइनस वाली टर्म्स इकट्ठी, तो 27 प्लस 6 33, 33 माइनस 33 इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास रिजल्ट जो है वो क्या आ गया, 0। दैट मींस पी ऑफ 3 जो है वो क्या है, 0 ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल है। चलो जी अब हम लोग निकालेंगे दूसरा वाला, कौन सा है, पी ऑफ माइनस 2। अब वही चीज करनी है, एक्स की जगह आपने क्या डाल देना है, माइनस 2। तो माइनस 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 2 का स्केयर माइनस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 6। तो माइनस 2 का क्यूब होता है 8, साथ में माइनस का साइन, तो ये क्या आ जाएगा, 2 का स्केयर 4, और माइनस की टर्म जो होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन बाहर क्या है आपका माइनस, तो 2 इंटू 4 8, यहाँ पे आ जाएगा आपका 8। फिर माइनस माइनस प्लस प्लस 10 और प्लस 6, तो ये आ गया माइनस 16 प्लस 16, तो ये और ये कैंसिल इक्वल टू 0। तो P ऑफ माइनस 2 भी जो है वो आपका क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब हम लोग देखेंगे P ऑफ 1। तो P ऑफ 1 में वही चीज कि जो आपके पास पॉलीनोमियल क्यूबिक पॉलीनोमियल दिया गया है उसकी जगह आपने वैल्यूज डाल देनी है। 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्केयर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। ठीक है जी, 1 का क्यूब 1 माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस 5 इंटू 1 5 प्लस 6, 6 और 1 7, 7 माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब तीनों में जीरोज आ गए, तो ये हमारा जो हो गया कि हाँ जी ये जो है आपके क्यूबिक पॉलीनोमियल के जीरोज है। अब इन्होंने बोला कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशियंट। अब सबसे पहली बात, आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा जब आप लोग जीरोस की बात करते हो। मैं यहां पे लिख देता हूं, जैसे हमारे पास था कि रिलेशन क्या था, रिलेशन में क्या करते थे आप, रिलेशन में क्या करते थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या था आपके पास। अब आपका पहला जो रूट होगा वो निकलता है 3, तो 3 प्लस माइनस 2 प्लस 1, तो ये क्या आता है 3 माइनस 2 प्लस 1, दैट इज 3 4, 4 माइनस 2 4, ये कितना आ गया 2। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा और गामा प्लस गामा और अल्फा। तो अब आपके पास अल्फा बीटा क्या है, अल्फा क्या है 3, बीटा क्या है माइनस 2, प्लस बीटा क्या है माइनस 2 इंटू गामा क्या है 1, प्लस गामा क्या है 1 और अल्फा क्या है 3। तो 3 2 6 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 3,
तो ये आपका आ जाता है माइनस एट प्लस थ्री दैट इज माइनस फाइव। ये आ गया आपके पास माइनस फाइव। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है। अच्छा तो यहां से बच्चा इस साइड से मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अच्छा जी ये भी मिटा रहा हूं। अब यहां पे हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा क्या था थ्री, बीटा क्या था माइनस टू, इंटू गामा क्या था वन। थ्री टू जो सिक्स, माइनस सिक्स मल्टीप्लाई बाय वन दैट इज माइनस सिक्स। अब आपने एक साइड में लिख देना यहां पे, ताकि जब भी आप रिलेशन इनका वेरीफाई करो तो उसमें आपको पता लग जाए जी कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहली बात, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है टू, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा, अल्फा इक्वल टू माइनस फाइव, फिर अल्फा बीटा और गामा आपके पास क्या है माइनस सिक्स, ठीक है। ये उतार लो और फिर मैं इसको इरेज कर दू। चलो अच्छा जी अब आता है हमारा रिलेशन। अब रिलेशन में आपने क्या चीज बतानी है कि जैसे आप वेरीफाई करते हो कि कोफिशियंट और जीरोस के बीच में रिलेशन क्या है, आपके पास इक्वेशन क्या है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू। अब जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी, जैसे मैं क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशन की बात करता हूं, तो क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशन में आपको याद है जिसमें हमने के वाला कंसेप्ट यूज किया था, तो सिमिलर है आपके पास यहाँ पे क्यूबिक में भी के वाला कंसेप्ट यूज होगा। सबसे पहली बात, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा और गामा, ठीक है जी। अच्छा अब यहां पे क्या है के इंटू एक्स स्क्वायर, अब एक्स एक्स क्यूब क्या है, एक्स क्यूब वैसे ही रहने दो, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है वैल्यू टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहां पे क्या है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या है माइनस फाइव इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है माइनस, अब माइनस अल्फा बीटा गामा क्या है माइनस सिक्स, ठीक है जी। अब यहां पे देखेंगे के इंटू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स। तो अब देखो क्या ये वाली इक्वेशन इसके बराबर है, तो आपका रिलेशन जो है वो वेरीफाई कर गया है, ठीक है बच्चों। ये रहा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन। तो अब मैं एक और क्वेश्चन लिखूंगा कि जो आपकी असाइनमेंट है, और इस क्वेश्चन को आपने खुद करना है, ठीक है जी। चल अच्छा अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास रहा, क्वेश्चन वेरीफाई दैट फाइव माइनस टू एंड वन अपॉन थ्री आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स क्यूब माइनस टेन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी सेवन एक्स प्लस टेन एंड verify the relation between zeros and coefficient, ठीक है जी। तो बच्चा जी यह आपकी होम असाइनमेंट है, इस क्वेश्चन को आपने करना है और करके जो है अपने आंसर्स हैं वो कमेंट सेक्शन पे डाल देने हैं, ठीक है बच्चा जी। नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपके लिए जो है ये होम असाइनमेंट है, ताकि जब आप करो आपको पता लगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया, ठीक है जी। तो बच्चा जी नेक्स्ट हमारा होगा टाइप टू, और तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए न्यू से न्यू लेक्चर जो है वो अवेलेबल करा सकें।